कल से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए 5 पाठ तय किए गए हैं। उन पाठों में से आपको पढ़ाना होगा। उन 5 पाठों में कौन सी अनुमिति पढ़ानी है और कौन सा सोपान पढ़ाना है, ये निर्णय कौन करेगा? शिक्षक, आपके जो शिक्षक हैं वे इस बात का निर्णय करेंगे। जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो या जो शिक्षक आपको रोज अभ्यास कराते हैं वे नहीं लेंगे आपका एग्जाम, या तो उनके साथ में दूसरे एग्जामिनर आएंगे वो लेंगे, या जो बाहर के ही दूसरे एग्जामिनर हो सकते हैं आपके जिन अध्यापक ने आपको अभ्यास करवाया है, वे हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, परंतु मार्किंग जो है ना दूसरे अध्यापक आएंगे वो करेंगे। जो पाठ आपको पढ़ाने हैं तैयार करने, मैं उनके नाम बता देता हूं, नोट कर लीजिए। सब नोट करने के लिए तैयार है ना? द्रव्य कषाय, द्रव्य गुण पर्याय, जीव अजीव और इंद्रियां, ये 5 पाठ में से कोई एक पाठ आपको पढ़ाने को, मतलब इस पाठ का चुनाव भी शिक्षक करेंगे कि आपको कौन सा पाठ पढ़ाना है, उस पाठ में से कौन सी अनुमिति पढ़ानी है और कौन सा सोपान पढ़ाना है। तो इससे आपको ख्याल में आया ना कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। मान लीजिए ये 5 पाठ तो आपको अच्छी तरह से तैयार होने ही चाहिए। मान लीजिए आपसे कहा गया दूसरे दिन की पहली अनुमिति पढ़ाइए, तो अभी आपने अभ्यास यहां किया है तो हम आपको स्वतंत्रता दे देते थे कि आप पाठ का कोई भी पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने दूसरे दिन की पहली अनुमिति पढ़ाने को बोला, तब भी आप पाठ को शुरुआत से पढ़ा रहे हैं और पूर्व पाठ मूल्यांकन आप पिछले वाले पाठ का कर रहे हैं, परंतु यहां पर एग्जाम में आपको अगर दूसरे दिन की पहली अनुमिति पढ़ाने को कहा जाए तो आपने पाठ को 4 भागों में बांटा हुआ है ना, तो जो तीसरा हिस्सा है वो आपको पढ़ाना चाहिए। अगर दूसरे दिन की दूसरी अनुमिति, और एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अगर दूसरे दिन की दूसरी अनुमिति कहा जाए या पहले दिन की दूसरी अनुमिति कहा जाए तो उसे आप बाय डिफॉल्ट अंतिम अनुमिति मानिए। अगर ये कहा जाए दूसरे दिन की मध्यम अनुमिति तो आप ऐसा मानिए कि पाठ 3 दिन में विभाजित है और हमें बीच वाली अनुमिति पढ़ानी है। अगर दूसरी अनुमिति, क्योंकि सामान्यतया हम पाठ को प्रत्येक दिन को 2 अनुमिति में ही विभाजित करते हैं, इसलिए शिक्षक कभी ये बोल दें कि अंतिम अनुमिति पढ़ाइए, कभी ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी अनुमिति पढ़ाइए। जब ये कहा जाए कि दूसरी अनुमिति पढ़ाइए तो आप यही मान करके चलिए कि मुझे अंतिम अनुमिति पढ़ानी है, और फिर भी अगर आपको ऐसा कोई संदेह लगे तो पूछ लीजिए, परंतु आपसे दूसरी अनुमिति पढ़ाने को कहा जाए, अगर वो बीच की अनुमिति है तो आप शुरुआत कहां से करेंगे, कौन से सोपान लगाएंगे, बताइए। आदर्श वाचन,
हाँ हाँ बोलो बोलो कौन कौन सी सोपान लगाओगे? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश कथन और समापन। हाँ बताओ, आप बताओ भैया, क्या इन्होंने सही बताया है? उन्होंने प्रश्नोत्तर छोड़ दिया उसमें, वो तो बोला है। मैं स्टार्टिंग से बता दूं? नहीं, उनका जवाब क्यों नहीं सुना आपने? उन्होंने उन्होंने यानी उन्होंने ऐसा बोला, आदर्श वाचन, अनुक्रम वाचन, फिर उन्होंने बोला व्याख्या, उस पर बोला प्रश्नोत्तर, फिर सारांश कथन, उसके बाद उन्होंने बोला गृहकार, समापन रह गया उनमें। नहीं, हाँ बोलो, पीछे बोलो, वो पीछे। हाँ, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, सारांश। हाँ, इन्होंने समापन भी बोला, जब बीच की अनुमति है तो उसमें समापन नहीं आएगा, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे कहा कि दूसरी अनुमति पढ़ानी है, ऐसा हुआ है ना एक दो दफा यहाँ पर, तो वो उसको बीच वाली अनुमति मान करके पढ़ाना शुरू किया तो वो मिस्टेक हो जाएगी। पढ़ाना शुरू करने से पहले आप खुलासा कर सकते हैं, परंतु फिर पढ़ाना है उसके हिसाब से। तो अब आपको क्या करना होगा कि अगर आपको पूरा पाठ तैयार नहीं है, आपसे ये कहा गया कि दूसरे दिन की पहली अनुमति पढ़ाइए, तब तो आपको उसी पाठ का आधा पोर्शन जो पिछले दिन पढ़ाया हुआ मान लिया गया है उसमें से पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न करने पड़ेंगे। और अगर पहले दिन की पहली अनुमति पढ़ाने को कहा गया है तो जो पाठ आपको पढ़ाने को कहा गया है उससे पहले का जो पाठ है उसमें से पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आई हो तो हाथ खड़ा करे। इसका मतलब मालूम है क्या हुआ कि ये जो पांच पाठ आपको तैयार करने के लिए कहे गए हैं, ये पांचों पाठ तो आपको पूरी तरह से तैयार होने ही चाहिए विषय वस्तु के हिसाब से। इनसे पहले वाले पांच पाठ भी आपको तैयार होने चाहिए, नहीं तो आप उसमें से पूर्व पाठ मूल्यांकन प्रश्न कैसे पूछोगे? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना सबको? तो आपको कितने पाठ तैयार करने होंगे? 10 पाठ तैयार करने होंगे, और वो आपको बाई हार्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पढ़ाने को खड़े होंगे, हालांकि आपके पास बुक रहेगी और आप उसे पिछला पेज देख सकते हैं, पर इशारे मात्र के लिए देखना अलग बात है। जैसे कि पद्य पढ़ते हैं ना, बच्चे भूल जाते हैं, पहला अक्षर बोल दो तो फिर उन्हें पढ़ना सुना देते हैं, ऐसे इशारे मात्र के लिए आप देखोगे बुक में, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप अगर पूरा का पूरा बुक के ऊपर ही डिपेंड करोगे उस परिभाषा को बोलने के लिए, भाई आप चौथा सोपान नहीं उसने बताया तो तीसरा सोपान आप पूछोगे, तीसरे सोपान में पूर्व पाठ मूल्यांकन में, तो तीसरे सोपान में आपको पूरी परिभाषा बोलनी पड़ेगी, वो परिभाषा आपको याद नहीं होगी तो आप किताब में खो जाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए विषय वस्तु आपको अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए, ठीक है ना? और बोर्ड कार्य क्लासेस में बोर्ड अवेलेबल है क्या अभ्यास कक्षाओं में? हाँ, तो वो अपन यहाँ इशारा करते हैं, इशारा करने की जरूरत नहीं है। आप बोर्ड कार्य में आपको सिर्फ प्रकरण ही तो लिखना है, तो आप बोर्ड पर लिख दीजिए, ठीक है ना? एक तो ये बात, इस संबंध में प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंध में आपको कोई सवाल है क्या, कुछ पूछना है? दूसरा, एज होमवर्क, आपको आपने दो पाठ योजनाएं बनाई हैं अब तक, अब आपको पाठ निर्देश बनाना है पंच परमेष्ठी पाठ का,
प्रशिक्षण निर्देशिका में पेज नंबर 99 उसमें पाठ निर्देश की परिभाषा दी गई है। पाठ निर्देश को पाठ संकेत भी कहते हैं। देखिए अभी तो आपको पाठ योजना बनवाई जा रही है, पर जब आप जीवन भर प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे ना, तो वो पाठ योजना आपको पेपर पर बनानी नहीं पड़ेगी हर बार, क्यों बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो हमेशा आपको, हाँ बोलो, जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें जो यहाँ से लेके मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, ये आप लोग बताएंगे या हम लोग खुद से? आप ही तय करेंगे। ये हम तय हाँ, कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ बैठो बैठो। मैंने कहा ना कि मोटे तौर पर हम पाठ को चार रणनीतियों में बांट लेंगे। आधा पाठ प्रथम दिन और दूसरा आधा पाठ दूसरा दिन। जब आपसे कहा जाए कि दूसरे दिन की पहली अनुमिति पढ़ानी है, तो बताओ आप कौन सा पोर्शन, चार पोर्शन में से कौन सा पोर्शन पढ़ाएंगे? लास्ट, सब जने नहीं बोलना है, फेल हो जाओगे। हाँ आप लास्ट में बैठे हो, बताओ। हाँ तीसरा नंबर से, तीसरा नंबर बैठो। एग्जामिनर जो है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, वो चाहे तो आपको सारी छूट दे दे, इन पांच पाठों में से कोई भी पाठ पढ़ाओ, उनमें से कोई भी अनुमिति पढ़ाओ, ऐसा भी बोल सकता है। वो चाहे तो आपको एक पोर्शन दे देगा, इतना पोर्शन पढ़ाओ, इसको ये अनुमिति और ये वाला सो ये मान करके चलो, वो चाहे कुछ भी। परंतु इसलिए अगर बोर्ड आपको स्पेसिफिक निर्देश देता है तो आप उसको फॉलो करो, अगर वो आपको स्पेसिफिक निर्देश नहीं देता है तो आप लॉजिकल रहने के लिए, आपसे कहा जाए कि दूसरे दिन की पहली अनुमिति पढ़ाओ और आप पाठ की शुरुआत से पढ़ाने लगे, तो आप लॉजिकल नहीं रहे, समझ गए ना? इसलिए अगर वो आपसे स्पेसिफिक ना कहे कि कौन सा पोर्शन पढ़ाओ, तो फिर आप लॉजिकल अनुमिति का चुनाव करिएगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो अपनी बात चल रही थी कि पाठ योजना आपको बनवाई जा रही है, इसलिए बनवाई जा रही है कि आपको पूरी शिक्षण पद्धति का लॉजिकल ज्ञान हो जाए कि हमें पढ़ाने में कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करना पड़ता है। ये अभ्यास आपने यहाँ कर लिया, दो पाठ योजनाएं आपने होमवर्क में बना ली और एक बार एग्जाम में बना ली, तो आप पाठ योजना बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं। अब लाइफ में जब आप पाठशाला में पढ़ाने को जाएंगे, तो हर दफा आपको आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और पूर्ववत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो आपके दिमाग में सेट हो चुका है कि कौन सा सोपान किस सोपान के बाद में आता है। ऐसी स्थिति में आपको पाठ योजना नहीं बनानी पड़ेगी, पर पाठ संकेत या पाठ निर्देश जिसे कहते हैं वो बनाने पड़ेंगे। ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे प्रैक्टिकल पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें आप पाठ के मुख्य बिंदु निकाल करके, परिभाषाएं निकाल करके, सिद्धांत वाक्य निकाल करके लिखेंगे कि हमें इस परिभाषा को तैयार करवाना है, इस सिद्धांत को समझाना है, और वो सिद्धांत और परिभाषा उसमें आप क्या क्या उदाहरण देंगे वो भी आप उसमें लिख लेंगे, उनको भाव भाषण हो जाए इस बात के लिए कैसे समझाएंगे, क्या उदाहरण देंगे, उसे संकेत में लिख लेंगे, कौए का उदाहरण देकर के समझाना।
इतने मात्र से आपको याद आ जाएगा, कौवे का उदाहरण तो आपको पता है। और फिर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम कर रहे हो क्या? तो पाठ संकेत में जो परिभाषाएं सिद्धांत वाक्य आए हैं वे लिखने हैं, को इन्हें हमें स्पष्ट करना है, उन्हें किन उदाहरणों से समझाएंगे ये लिखना है, और वे हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है इस बात को लिखना है, इनके उदाहरण अपने पास में लिख लेने हैं, ताकि जब आप पढ़ाने को जाओगे तो वो पाठ संकेत आपके सामने रहेगा। अगर उस समय किसी कारण से आपको उदाहरण याद नहीं आ रहा है, या आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर तो लिए हैं ना, कोई छूट तो नहीं गया है, तो वो पेपर आपके सामने रहेगा, उसकी मदद से आप पढ़ा सकते हैं। पाठ संकेत इस बुक में जो बना करके दिए गए हैं वे सारे के सारे एक एक ही स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। उसमें विद्यार्थी को पूरी तरह से समझदार मैच्योर विद्यार्थी माना, 14 साल से ऊपर का विद्यार्थी मान करके पाठ निर्देश बनाए गए हैं। परंतु अपना एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश ये है पढ़ाने की शिक्षण पद्धति में, सबसे महत्वपूर्ण एक चीज समझने की है कि हमारे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, उस हिसाब से हमें उन्हें समझाना है। अगर हमारे, क्योंकि बालबोध पाठमाला ये तो 5 वर्ष का बच्चा भी हो सकता है ना, अब आप उसको पर से भिन्न पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा की बात करने लगोगे उसकी समझ में नहीं आएगी। और द्रव्य गुण पर्याय का पाठ अगर आपकी क्लास में 50 साल 60 साल के लोग हैं पढ़ने वाले, तो आप उसमें ये चर्चा भी कदाचित कर सकते हैं अगर वे समझदार हैं स्वाध्यायी हैं तो। इसलिए अब आप जब पाठ निर्देश तैयार करोगे तो वो 5 साल के बच्चे के लिए और 50 साल के छात्रों के लिए एक जैसे नहीं हो सकते हैं, उदाहरण के स्तर में भी फर्क पड़ेगा। अगर आप 50 साल के, मतलब बड़ी उम्र के, 50 साल से मेरा तात्पर्य 50 साल नहीं है, बड़ी उम्र के समझदार लोगों के लिए पाठ निर्देश तैयार करोगे तो उसमें उदाहरणों का चुनाव भी आप बड़े समझदारी, बड़े जो अनुभव से आते हैं जीवन के अनुभव से, पति पत्नी के उदाहरण दे सकते हो, वे किसको दोगे? 5 साल के बच्चों के सामने आप अगर पति पत्नी का उदाहरण दोगे तो वे क्या समझेंगे? 5 साल का बच्चा वो पति पत्नी संबंध को जानता ही नहीं है, उसको ये पता नहीं होता कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के पत्नी पति हैं, नहीं होता उसको पता, और वो उसकी मर्यादाएं नहीं समझता है। तो उसके सामने आप अगर ऐसे उदाहरण दोगे तो कैसे समझ में आएगा? और मैच्योर लोगों के सामने अगर आप ऐसे उदाहरण दोगे तो वो, क्योंकि उनके अनुभव की चीज है, तो 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। इसलिए बच्चों के लिए उदाहरणों का चुनाव भी अलग होगा, उसमें पंचतंत्र की कहानियां काम में आएंगी, और बड़ों को समझाने के लिए अपने जीवन के उदाहरण हैं वे काम में आएंगे। इसलिए आपको पाठ संकेत 2 स्तर के बनाने चाहिए। इसमें प्रशिक्षण निर्देशिका में जो पाठ संकेत बनाए हैं वो 1 स्तर के ही बनाए हैं, तो अब आप उनको 2 स्तरों का कैसे बनाएंगे, कैसे समझ में आएगा? तो 1 पाठ संकेत नमोकार मंत्र वाले पाठ का 2 स्तर से बना करके दिखाया गया, पेज नंबर 99 देखो। उसमें पहले जो पाठ संकेत बनाया गया है वो 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए बनाया गया है, और जो
जो दूसरा पाठ संकेत बनाया गया है उसी के आगे वो 14 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, उसमें ज्यादा डिटेल शामिल की गई है। आपको जो पाठ संकेत बनाना है पंच परमेष्ठी के पाठ का, वो दोनों स्तर का बनाना है, 14 साल से छोटी उम्र के लिए और 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चे के लिए। तो उसमें क्या अंतर पड़ेगा, इसमें आप बनाते समय इस नमोकार मंत्र का पाठ संकेत है इसकी सहायता लीजिएगा। देखिए पूर्व अभी पाठ पेज नंबर 99 में जो पाठ निर्देश लिखा है इसको अपन एक दफा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। पूर्व में बालबोध पाठमालाओं में आए हुए पांचों पाठों की आदर्श पाठ योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और शेष पाठों के पाठ निर्देश दिए जा रहे हैं। मैंने पहले बताया था ना जिन पाठों की पाठ योजनाएं दी गई हैं उनके पाठ निर्देश नहीं दिए गए हैं और जिनके पाठ निर्देश दिए गए हैं उनकी पाठ योजनाएं नहीं दी गई हैं। पाठ योजनाएं सिर्फ पांच पाठों की दी गई हैं। वे उन पांच पाठों का चुनाव भी इस प्रकार किया गया है कि वे पांचों पाठ अलग अलग शैली के हों, एक पद्य शैली का हो, एक संवाद शैली का हो, एक गद्य शैली का हो। तो इस तरह से पाठ निर्देश का ध्यान रखते हुए अध्यापक बंधुओं को प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पूर्व उपरोक्त पाठ योजनाओं के अनुरूप पाठ योजना तैयार करनी है। ध्यान, अच्छा ये महत्वपूर्ण बात, जब आप पाठ योजना बनाएंगे तो उन पाठ योजना में पाठ निर्देश को जरूर कंसल्ट कीजिए। हालांकि आप आपके पास में पाठ्य पुस्तक है उसमें जो मुख्य बिंदु आए हैं वो आप निकालेंगे, फिर भी कुछ मुख्य बिंदु ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिशनरी होते हैं, कोई ऐसा महसूस कर सकता है कि ये मुख्य बिंदु बनाने लायक है, परिभाषा याद कराने लायक है, उदाहरण से समझाने लायक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जिनकी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती बोधगम्य प्रश्नोत्तर में या और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में, उनको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो पाठ निर्देश को जरूर पढ़ लीजिए कि इस पाठ को पढ़ाने में आज आराम नहीं हुआ। पाठ निर्देश पाठ योजना बनाने में पाठ निर्देश को जरूर कंसल्ट कीजिए कि हमें उससे हमें सहारा मिल जाएगा कि हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। ठीक है ना, ध्यान रहे कि किसी भी पाठ की पाठ योजना तैयार करते समय तत्संबंधित पाठ निर्देश में दिए निर्देशों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। यहां मात्र प्रथम पाठ निर्देश को छोटे अबोध बालक के लिए और बड़े बालक के लिए दो प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, बाकी के सभी पाठ निर्देश सभी उम्र व स्तर को एक साथ रखा गया है। किंतु जब आप अपनी पाठ योजना बनाए तब पढ़ने वाले छात्रों के स्तर के अनुकूल विषय वस्तु, उदाहरण, एक्सरसाइज आदि का चुनाव स्वविवेक से करें। ध्यान रहे एक विषय वस्तु को अपने शिष्यों की योग्यता अनुसार अनेक स्तरों से पढ़ाया जा सकता है। प्रशिक्षण कक्षा के अभ्यास में पाठ निर्देश बनाते वक्त अपने शिष्यों की उम्र का उल्लेख करें। अभी आपको एग्जाम में जब पाठ निर्देश बनाने को कहा जाएगा, अभी होमवर्क में भी आप बना के लाएंगे तो लिखिएगा कि दिस पोर्शन ऑफ पाठ निर्देश इज फॉर स्टूडेंट्स अंडर 14 और ये 14 साल की उम्र से बड़े व्यक्तियों के लिए है, ये इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देना, तो एग्जामिनर आपका उस दृष्टि से उसको चेक करेगा। अगर आपने उल्लेख नहीं किया
तो आपने जो छोटे बच्चों के लिए पाठ निर्देश बनाया है उसमें पर्याप्त जानकारी नहीं होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे, इसलिए इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देना। तो यू जस्ट गो थ्रू दिस, ये जो पाठ निर्देश दिया है नमोकार मंत्र के पाठ का, छोटे बच्चों के लिए क्या क्या बताया गया है और बड़ों के लिए क्या क्या पॉइंट्स उसमें एक्स्ट्रा शामिल। बड़ों, एक बात और ध्यान रखना, बड़ों के लिए जो आप पाठ निर्देश बनाओगे उसमें अंडर 14 को जो बातें बता रहे हैं वो तो शामिल होंगी ही होंगी, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा होगा, परंतु जो छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो उसमें जो बड़ों को पढ़ाने के लिए है वो पोर्शन नहीं होगा। ये सैद्धांतिक रूप से बात है, प्रैक्टिकली जब आपने बड़ों को समझाने के लिए विशिष्ट बड़े उदाहरण लिए हैं अनुभव वाले, तो फिर उन्हें बच्चों वाले उदाहरण से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु टेक्निकली ये बात आप समझ लीजिए कि जब बड़े लोगों के लिए आप पाठ निर्देश बनाएंगे उसमें छोटे वालों के पाठ निर्देश तो शामिल हो ही जाएंगे, पर छोटे वालों के पाठ निर्देश में बड़े बच्चों के पाठ निर्देश शामिल नहीं होंगे। पाठ निर्देश के बारे में कोई क्वेश्चन है, समझ में आ गया है आपको? जो लोग आज क्लास में नहीं है वो लोग आज इस जानकारी को मिस करेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम से संबंधित जानकारी दी गई है और जो पाठ निर्देश से संबंधित जानकारी दी गई है। आप चाहें तो आप उनकी मदद कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन? जैसे अगर एग्जाम में नहीं दिया है कि हमें कौन सी उम्र के लिए बच्चों के लिए बनाने पाठ निर्देश, तो हमें दोनों बनाने हैं? दोनों बनाने की इस वैसे तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आप बड़ों के लिए बनाओगे वो उसमें आ ही जाएगा, परंतु अगर उसमें स्पेसिफिक लिखा गया है तब तो आपको दोनों बनानी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, एक ही बनाएंगे तो बड़ों को ध्यान में रखते, ऐसा नहीं कि एक बनाने के लिए कहा गया इसलिए हमने छोटों का बना दिया। हाँ, तो और उस, तो आप पूरा बनाइए बड़ों के लिए और उसमें स्पष्ट मेंशन कर दीजिए कि ये 14 वर्ष से उम्र के बालकों के लिए है, ठीक है ना? तब फिर वो फुल क्लैरिटी हो जाएगी। और कोई सवाल? इसमें जो छोटे बालकों के लिखा उसमें पारभाषिक बिंदु हेडिंग नहीं डली दोनों बिंदुओं में, लेकिन है तो ना? कौन से? नमोकार मंत्र का जो पाठ निर्देश है तो उसमें भी पारभाषिक बिंदु हेडिंग नहीं है और 14 वर्ष बालों में भी पारभाषिक बिंदु हेडिंग नहीं है, लेकिन है तो? हाँ, उसमें परिभाषाएं नहीं है ना, इसलिए नहीं है बिंदु, इस पाठ में परिभाषाएं नहीं है ना। अच्छा, हाँ हाँ, एवा इसलिए। और कोई सवाल है इस विषय में? आदेश खड़से, आपने पहले पढ़ाया है क्लास में? नहीं पढ़ाओगे? आइए कल। अब
अब कल नहीं आएगा आपकी लाइफ में, इस कक्षा के संदर्भ में कह रहा हूं, क्योंकि कल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अनुराग जी आइए, हाँ आप पाप के पाठ में दूसरे दिन की पहली अनुति पढ़ाइए। अच्छा, जो तैयार करके लाए वो पढ़ा दीजिए, परंतु कल एग्जाम के लिए तो आपको ये सब तैयार करना ही है। हाँ तो आज की रात बहुत भारी है। वैजनेन बच्चों, आज के आपको हम पढ़ाने वाला जो पाठ है वो पाप है, और जब तक हम आप अपना कल के पाठ का रिवाइज करके लाए होंगे उसमें से हम प्रश्नोत्तर पूछेंगे। आप दूसरे दिन की पहली अनुमति पढ़ाना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाओगे वो बता दो। दूसरे दिन की पहली, हाँ कहाँ से कहाँ तक पढ़ाओगे वो बता दो। हाँ उसको ही आप दूसरे दिन की पहली अनुमति मान लो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ अनुराग जी, ये अगर दूसरे दिन की पहली अनुमति हो और पहले दिन की पहली अनुमति हो, ये पोर्शन अगर आप पढ़ा रहे हैं उसमें फर्क क्या पड़ेगा दोनों में? अगर ये पहले दिन की पहली अनुमति है, हाँ, तो इसमें हमें पूर्व पाठ मूल्यांकन, हाँ, कराना पड़ेगा जो हमारा देव स्तुति वाला पाठ है। हाँ हाँ, और अगर ये दूसरे दिन की पहली अनुमति है, हाँ, तो इसमें दूसरे दिन की पहली है, हाँ, है तो स्टार्टिंग से ये, हाँ, इसलिए दोनों में कोई फर्क नहीं, कोई है, फर्क नहीं है। ये तो सिर्फ आपको कंफ्यूज तो ये इसमें भी देव स्तुति ही ठीक है ना। अब ठीक है पढ़ाइए। आपको अभी हमने कहा था कि आपने कल के जो पढ़ा हुए पाठ है उसमें से आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं, आप उसका उत्तर दें। वीतरागी किसे कहते हैं बताओ, बताइए। जिसका मोराग देश बीत गए उसे वीतरागी कहते हैं। सभी लोग नोट करिएगा, क्या ये सही है परिभाषा? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सभी लोग सहमत हैं इससे। हितोपदेशी किसे कहते हैं आप बताएं? जो आत्मा का आत्मा की हित को हित का उपदेश देते उसे हितोपदेश कहते हैं। सिर्फ एक ही परिभाषा पर करिए ताकि अपना समय बचे। अच्छा, यदि केवली भगवान सर्वज्ञ हो जाएं और वीतरागी ना हो तो क्या इसमें क्या हानि है बताइए। को मोरा दुख हो जाएगा और वो बहुत दुखी हो जाएगा क्योंकि उनको सबका दुख सारे दुखों का ज्ञान होगा। इसलिए हम रामचंद्र जी के कौन से स्वरूप का को नमन करते हैं? जो राम भगवान है ना, तो उनके कौन से स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं आप बताएं? वीतरागी स्वरूप में। ठीक है, अब आप पाप पाठ में पृष्ठ संख्या 7 निकाल लें।
अभी बच्चों आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा बचपन से ही, छोटे बच्चों ने शायद ना सुना हो लेकिन मीडियम, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे। ये किस पिक्चर का डायलॉग है? शोले, शोले पिक्चर का डायलॉग है। तो शोले पिक्चर में ये डायलॉग कौन बोलता है? गब्बर सिंह। तो गब्बर सिंह जो है वो, गब्बर सिंह बहुत बड़ा डाकू है और उसके अंडर में बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे ही बच्चों जो मिथ्यात है ना, ये मिथ्यात ही सबसे बड़ा गब्बर है और उसके वशीभूत होकर हमें, हम पांच पाप करते हैं। तो बच्चों हम आज गब्बर सिंह रूपी, मिथ्यात रूपी गब्बर सिंह के बारे में और पांच पापों के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पृष्ठ संख्या 7 निकाल लें। पुत्र, पिताजी लोग कहते हैं कि लोग पाप का बाप है, तो यह लोग सबसे बड़ा पाप होता होगा? पिता, बेटा नहीं, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात ही है जिसके बस होकर जीव घोर पाप करता है। पुत्र, पांच पापों में तो इसका नाम है ही नहीं, उनके नाम तो मुझे याद है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पिता, ठीक है बेटा, आपने ये पाठ अच्छे से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इस पाप में जो भी विषय वस्तु संबंधी जो भी विषय वस्तु आई है उसमें आपको मुख्य बिंदु बनाने हैं और मुख्य बिंदु के बाद में उनका, उनके ऊपर आपसे प्रश्नोत्तर भी कर सकूंगा और किसी भी व्यक्ति, किसी भी छात्र से इसको पढ़वा सकता हूँ। ये निर्देश हमें पहले देने थे, हम भूल गए इसको, अभी दे रहे। अच्छा, इसके बाद आप आइए, कोई भी दो बालक आइए। अब ये जो दो बालक जो है ना, ये पाठ का वाचन करेंगे। आप सबको इसको ध्यान से सुनना है और इसमें जो त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, उसको मार्क करना है। अब इन्होंने जो पाठ पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ाया है और आदर, ये बच्चों ने पढ़ा है, इसमें आप सभी लोगों ने मुख्य बिंदु निकाले होंगे, तो क्रमशः बताएं आप कौन कौन से इसमें मुख्य बिंदु निकाले, बताइए। लोग पाप का बाप है, सबसे बड़ा मिथ्या, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है जिससे वश होकर जीव घोर पाप करता है और इसमें पांच पापा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है जिससे झूठे बिना संसार भ्रमण छूटता नहीं है। आप बताइए, किसी को, किसी ने मुख्य बिंदु निकाले हैं, बताइए। आत्मा का स्वभाव आनंद है, आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं। आप कहाँ थे, क्लास में थे कि कहीं बाहर थे? आपको पता नहीं है कौन सा पाठ पढ़ाया जा रहा है? हाँ, और किसी ने निकाले मुख्य बिंदु, बताइए। अपनी आत्मा को सही समझ लेना ही मिथ्या छोड़ना है। जब यह पाप अपनी, यह जीव अपने आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी तो छोड़ने लगेगा। उल्टी मान्या का नाम ही मिथ्या है। और कोई, चलिए अब इसको सही क्रम में लगाएं, मतलब सबसे मुख्य से, मतलब जो अपन इसको एक वरीयता देते हैं, क्रम देते हैं, उस क्रम में इन बिंदुओं को लगाएं, बताएगा कोई, बताइए आप। लोग पाप का बाप है, दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है जिसके वश होकर जीव घोर पाप करता है, तीसरा पॉइंट पाप पांच होते हैं, चौथा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचवा मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है जिसके
जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं। छठवां उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। सातवां, जब ये जीव अपनी आत्मा को पहचान लेगा तो पाप भी छोड़ने लगेगा। ये बरीता का क्रम आपने कैसे निर्धारित किया, कोई इसका कारण है बताइए। जिस प्रकार पाठ में जो आ रहे थे उस प्रकार बोलता गया वो। आप सब लोग सहमत हैं इससे? अच्छा, एक चीज और बताए, क्या कोई बिंदु छूट रहा है क्या? आइए सचिन आगे आ जाए। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो मिथ्यात्व से और पाप से छूट जाता है। ये बिंदु छूट गया और ये हमारे हिसाब से नंबर वन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसका सबसे मुख्य जो हिस्सा है इस पाठ का, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। जैसे हमें कहीं छींक आ जाती है, ऐसी मान्यता है ना कि छींक आ जाती है तो हम वहाँ से उस कार्य को रोक देते हैं और थोड़ी देर बाद उस काम को करते हैं। तो ये इस तरह की उल्टी मान्यताएं जो हैं, ये हमें इस संसार रूपी सागर में भ्रमण करने के लिए मजबूर करती हैं या उसके निमित्त कारण हैं। ऐसी और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए और हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इससे अशुभ होगा। तो ऐसी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, इनको उल्टी मान्यताओं को त्याग करके हमें सही श्रद्धान करना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा पाप लोभ होता है। लोभ के वशीभूत होकर व्यक्ति तरह तरह के पाप करता है। जैसे किसी गरीब व्यक्ति के लिए कार की की इच्छा है और उसको कार लेने के पास पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन उसकी कार की इच्छा में वो चोरी करता है। चोरी करने के बाद पकड़ा जाता है, पकड़ा जाने के बाद उसको दंड मिलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। इसके अलावा जैसे आज के समय में बहुत चल गया है कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की का श्रद्धान करके विपरीत मान्यताएं या रूढ़ियां हमारे जीवन में बहुत आ गई हैं। तो जैसे दुकान आदि के पैर पड़ना, दुकान के जो सामान है उसकी पूजा करना, इस तरह के जो जीवन में हमारे जो कुत्सित मान्यताएं आ गई हैं, तो इन सब को भी हमें छोड़ना चाहिए, मिथ्या मान्यताओं को। अब आप अपनी कॉपी निकालें, हम आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर लिखा रहे हैं। पाप का बाप कौन है? लोभ। सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को। अब एक परिभाषा हम आपको यहां से बोलेंगे, उसके आधार पर आपको प्रश्न उत्तर देने हैं, प्रश्नों के उत्तर। लोभ पाप का बाप है, यह परिभाषा है। तो लोभ पाप का बाप है या नहीं बताएं? है। लोभ को पाप का बाप कहते हैं या बेटा? बाप। पाप का बाप क्या है? मिथ्यात्व। बेटी बेटी लोभ। पाप का बाप जो है ना, उसकी उसको क्या कहते हैं? लोभ का क्षय। ये परिभाषा का आपका चुनाव गलत हो गया, इसे दूसरी मिथ्यात्व की परिभाषा पर लगाओ। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है या नहीं है? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं या सम्यक्त? मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं।
पूछा तो उत्तर नहीं दिया, आपने पूछा उत्तर नहीं दिया, तो क्या करेंगे? उनसे हम फिर से उनको दोहराने के लिए कहेंगे, दूसरे छात्र से पूछेंगे और उसको निर्देश करेंगे कि वो इनका सुनकर और उसको आप अपना आत्मसात करें सर। तो लोग पाप का बाप है, लोग को पाप का बाप कहते हैं, इसका क्या कारण है? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व तो कहते हैं, इसका क्या कारण है? और जीव का संसार भ्रमण कैसे छूटता है? यह प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखें। और मिथ्यात्व का हमारे जीवन में क्या लाभ और क्या हानि है? उल्टी मान्यता को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इस प्रकार बच्चों आज हमने इस पाप पाठ को पढ़ा और लोग पाप का बाप है यह समझा, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है और हमें सही बात समझकर मिथ्यात्व को छोड़ना है और कभी भी पापों को नहीं करना है। हाँ, आज इस पाठ का समापन करते हुए हम पुनः आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इन्होंने आपको मिसगाइड कर दिया, पहली अनुमिति है ना, तो समापन मूल्यांकन हो गई नहीं ना, हम संपूर्ण पाठ के हिसाब से पढ़ा रहे थे इसलिए हमने प्रश्न पूछे। अगर पहली अनुमिति है तो हमारा सारांश कथन हो गया। करिए करिए करिए। सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। ये कस फिर वो आप समझे नहीं, ये प्रश्न सही नहीं है, ये आप नहीं लगा पाओगे सोपान सब इसमें। नहीं, इसमें वो वस्तुनिष्ठ के तीसरे सोपान को उल्टे से लगाएंगे। हाँ नहीं, परंतु इसमें चार सोपान, इस परिभाषा में चार सोपान नहीं लगेंगे, लगा के देखो, इसमें नहीं लगेंगे चार सोपान, ये इस ठीक है ना, ग्रहकार और दे दे। हाँ ठीक है। आप बच्चों अगला पाठ जो कषाय है उसके विषय में कल पढ़ के आएंगे और मुख्य बिंदु अपनी पुस्तकों में नोट करके आएंगे और आगे इसी तरह कक्षा में अटेंशन होकर पढ़ाई करेंगे। जय जनेन्द्र। आप सभी ने नोट किए हैं गलतियां? आप बताओ, सेकंड पीछे से सेकंड। हाँ माइक माइक ले लो, माइक ले लो। हेलो हेलो। आदर्श वचन में निर्देश नहीं दिया था लेकिन बाद में दे दिए थे। हाँ, उससे पहले कोई नहीं, बोर्ड कार्य नहीं, वो नोटिस नहीं की है? नोटिस नहीं की। क्या बोल रहे थे? वो नोटिस नहीं की मैंने, नोटिस नहीं किया, जो तुमने किया वही मैंने किया। चलो अब हाँ, उसके बाद बोलो। सामने नहीं नोटिस किए मैंने, और नहीं उसको, उसके बाद नहीं किया नहीं। ये तो बहुत गलत बात है, क्लास में ध्यान रखना चाहिए। हाँ आप बताओ भैया, आप बताओ। आप बैठिए, आप बैठिए। उन्होंने आदर्श शासन करते समय निर्देश नहीं दिया, बाद में किया था, वो दे दिया था ना। हाँ, आगे नहीं किया था, पहले नहीं किया। आगे चलो। हाँ, और वो आज सारा उसका कथन नहीं किया, नहीं बताया। अच्छा, आपके ख्याल से ठीक है, बैठो। हाँ, आपने नोट किया बेबी, आपने नोट किए गलतियां? बताओ, ये ले लो। इन्होंने बोर्ड कार्ड नहीं किया था। अच्छा, फिर आगे। पूर्व पाठ मूल्यांकन का जीवन उपयोगी भी नहीं किया था। हाँ,
किया था वो, हाँ ठीक है आगे चलो, हाँ बोलो। हाँ उद्देश्य कथन का वो उद्देश्य कथन रोचक नहीं था। हाँ वो लंबा था। आदर्श वाचन में निर्देश वन भी नहीं दिया था, निर्देश टू और वाचन भी नहीं किया था, वाचन किया तो वो तो बाद में कर लिए थे ना, भूल गए थे पहले फिर बाद में कर दिए थे, दोनों ही कर दिया था। आगे चलो। हाँ अनुकरण वाचन में गलतियां नहीं पूछी। वेरी गुड। हाँ व्याख्या में मूल्यांकन एक नहीं किया था। हाँ इसमें जो एक पहले पॉइंट में ये पूछना चाहिए कि आपने कितने पॉइंट निकाले हैं, किसी ने एक बताया, दो बताया, चार बताया, तो पहले जिसने एक बताया हम उससे पूछेंगे, फिर जिसने दो बताया उससे पूछेंगे, फिर जिसने चार बताया है हम उससे पूछेंगे, क्योंकि चार वाले से पहले पूछ लिए तो फिर वो दूसरों का कोई महत्व तो नहीं रहा, चार में वो सब तो आ ही गए होंगे पहले वाले। तो आपने क्या किया कि कौन कौन से पॉइंट नोट किए हैं, इस तरह वो पॉइंट ही बताने शुरू कर दिए, तो फिर ये एक्सरसाइज, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर पर्पज से हमने वो सोपान तय किया है तो उस ढंग से करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बोलिए आगे। संवाद भी नहीं किया था। किया था। हाँ चलो आगे। स्पष्टीकरण का जीव भाव भाषण और जीवन उपयोगी भी नहीं किया। हाँ किया था। अब हाँ ये भाव भाषण और जीवन उपयोगी इसमें नहीं किया, इसमें इसमें किया था, स्पष्टीकरण में किया था, और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बाद में नहीं किया, और वस्तुनिष्ठ में सेकंड क्वेश्चन भी नहीं पूछा। हाँ, हाँ। और सब क्या? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो हर पॉइंट पर ध्यान रखा इतनी सिंसियरिटी के साथ में। हाँ सबको बताओ, उन सबको भी मराठी में पढ़ा दे रहा हूं। बालबोध पाठमाला भाग एक पाठ तीसरा तीर्थंकर भगवान। यहाँ से हाँ पहले दिन की सबको बताओ, सब लोग भी पढ़ेंगे ना, इसलिए अनुवृत्ति बताओ कहाँ से। पहले दिन की पहली अनुवृत्ति। ठीक है। हाँ शुरू करो। जय जिनेंद्र सगळ्यांना। कसे आहेत सगळेजण, झालं जेवण? प्रकरण बोलो, प्रकरण काय बोलो ना। प्रकरण तीर्थंकर भगवान। मी आपण काल चार मंगळ हा धडा शिकलो होतो बराबर आहे, तर मी तुम्हाला प्रश्न उत्तर पाठ करून यायला सांगितलेले, सगळे करून आले असतात, तर मी तुम्हाला आता प्रश्न विचारतो। शरण कशाला म्हणतात सांग प्रेम? सहाऱ्याला शरण म्हणतात। बराबर आहे, बस करी। शरण सहाऱ्याला म्हणतात। तर राम आणि श्याम एका गाडीवर बसलेले व गावाला जात होते, तेव्हा त्यांचा ॲक्सिडेंट झाला, तर तेव्हा त्यांना शरण कोण आहे? पंचपरमेश्वर शरण आहे। तेव्हा त्याला लागलेलं आहे ना, तुम्ही डॉक्टर शरण असायला पाहिजे त्याला, कारण की ते उघड
राम आणि श्याम गाडीवर जात होते तेव्हा त्यांचा ॲक्सिडेंट झाला, तर तेव्हा त्यांना शरण पंचपरमेश्वरी असं अरबीत म्हणला, तर कसं काय त्यांना लागलं होतं तर डॉक्टर शरण पाहिजे त्यांना, तेव्हा त्यांचा सहारा डॉक्टर येतो. पण खरे तर ते ना पंचपरमेश्वरी. बरोबर आहे. आपल्या जीवनात आपल्याला पंचपरमेश्वरीच का शरण आहे, दुसरे कोण काउन नाही, पंचपरमेश्वरीच का शरण आहेत सांगू शकते कोणी? सम्यक उघड. कारण आपल्या आत्म्याचे कल्याण होते. बरोबर आहे. तुम्हाला माहिती आहे का तीर्थंकर भगवान मध्ये फरक काय? तीर्थंकर किती असतात, कोणाला म्हणतात? पुढे चला, पुढे चला. मी वाचत आहे, तुम्ही सगळ्यांनी माझ्याकडे लक्ष द्यायचं मी काय वाचत आहे आणि लक्ष ठेवायचं मी मधातून कोणालाही उठवायला उठवून विचारेल की कोण काय चालू आहे. सगळ्यांनी माझ्यासारखं वाचायचा प्रयत्न करायचा आणि मी वाचत असताना मुख्य बिंदू काढायचे. मुख्य बिंदू म्हणजे काय? जे परिभाषा आलेले आहेत, एखादी व्याख्या असेल, सिद्धांत वाक्य आहे, ते वाक्य काढायचे. सगळ्यांनी पुस्तक काढलं? काढलं का पुस्तक? गुरुजी बाहुबली क्या भगवान नहीं है? क्यों नहीं है? पुढे चला. अर्पित उठ पृथ्वी या पुढं. तू छात्र बनशील, तू अध्यापक बन. हे दोघं आता वाचत आहेत, हे दोघं काय चुकी करतील ते सगळ्यांनी नोट करायचं. मी सांगेन, मी वाचताना ज्यांनी मुख्य बिंदू नाही नोट केले त्यांनी आता पुन्हा नोट करायची. मी यांचं वाचन झाल्यावर विचारेल. गुरुजी बसा, बसा, बसा. पुढे चला. या दोघांनी काही चुकी केल्या का? नाही केल्या. बरोबर आहे. सगळ्यांनी असंच वाचायचं आणि तुम्ही पण असंच वाचायचं. चांगलं वाचलं तुम्ही दोघांनी पण. बरं, यांनी आता आम्ही वाचलं, मी वाचलं, त्यांनी वाचलं, त्याच्यातून कोणी किती मुख्य बिंदू काढले? दोन, चार. बरं अर्पित, तू किती काढले दोन मुख्य बिंदू? 24 तो तीर्थंकर होते और जो वितरागी और सर्वज्ञ है वह सभी भगवान है. तुझे कौन दे था? शायद को शरण कहते हैं. लक्ष्य कुठे? शायद को शरण कहते हैं. पहले याच्यात होता चार मंगल मध्ये, याच्यात थोड़ी है. तीर्थंकर भगवान मध्ये ते थोड़ी है. लक्ष्य नाही तुझं? जो वितरागी और सर्वज्ञ है वो सभी भगवान है. बराबर है. हे मुख्य बिंदू कोणी क्रमाने लावून सांगू शकते मला? सांगा दित्य. चोबीस तो तीर्थंकर होते है जो वितरागी और सर्वज्ञ है वे सभी भगवान है. अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि भगवान ही तो है. तीर्थंकर तो भगवान होते हैं पर साथ ही जो तीर्थंकर न होते पर वितरागी और पूर्ण ज्ञानी हो वे अरहंत और सिद्ध ही भगवान है. तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? बराबर है. तो उठ बेटा. तू एक क्रमान कसं लावलं म्हणजे ज्या मागचं काही उद्देश कसा लावला क्रमान, हेच कसं काय होते तुझे? कारण हे पुस्तकामध्ये आलेले आहे. बराबर आहे. सगळेजण सहमत आहे याला? कोणाची असहमती? दुसरा क्रम आहे कोणाजवळ? नाही आहे. काही मुख्यबिंदू राहिले का आपले? राहिले हिमांशू? बराबर आहे, राहिले नाही काही. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांनाच तीर्थंकर म्हणतात. वितरागी म्हणजे काय? ज्यांनी परिग्रहाचा त्याग, अस्त्र वस्त्र शस्त्र हे ज्यांच्याजवळ नसते ते म्हणजे वितरागी. सर्वज्ञ म्हणजे काय? ज्यांना तिन्ही लोकांचं तिन्ही काळाचं एकाच वेळेस ज्ञान होते ते सर्वज्ञ असतात. आणि हितोपदेशी म्हणजे जे आपल्या आत्म्याच्या हिताच्या कल्याणाचा उपदेश देतात त्यांना काय म्हणतात? हितोपदेशी.
तुम्ही तुमच्या मित्रासोबत बागेत फिरत आहात. तुमचा मित्र तुम्हाला म्हणला की जवळ एक मातेचं मंदिर आहे, आपण त्या मंदिरात जाऊन दर्शन करू. मंदिराच्या बाजूला बाग आहे, चांगली फुलं आहे. तुम्ही मंदिरापाशी गेले तिथं आणि तुम्ही मंदिराच्या बाहेरूनच पाहिलं की त्या मातेजवळ मातेच्या जे माताजी त्या ह्याच्यावर बसलेली आहे ते त्यांचे जे ते वाघ आहे खाली बसलेला, हातात गदा आहे, अस्त्र आहे, अंगावर शस्त्र आहे. तर तुम्ही त्या मातेचं दर्शन करसाल की नाही? नाही करणार. कारण की त्यांच्या शस्त्र अस्त्र आहे ते रागी द्वेषी आहेत. बराबर आहे. आपण त्या यांचं त्या मातेचं दर्शन करायला नाही पाहिजे, कारण की आपण शिकलो जे वितरागी सर्वज्ञानी हितोपदेशी असतात तेच आपले खरे तीर्थंकर आहे. आणि आता ते वितरागी नाही तर सर्वज्ञ नाही तर हितोपदेशी नाही तर ते आपले तीर्थंकर आहेत का? नाही. तर मी सगळ्यांनी पुस्तक वही काढा, आता वही पेन, मी प्रश्न उत्तर लिहून देत आहे, सगळ्यांनी लिहा. देव कोणाला म्हणतात? जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात, जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांना खरे देव म्हणतात. तीर्थंकर कोणाला म्हणतात? जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात सहित त्यांच्या नाम तीर्थंकर नामकर्माचा उदय असतो त्यांना तीर्थंकर असे पुढे म्हणतात. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांना तीर्थंकर म्हणतात. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांना खरे देव म्हणतात की नाही? म्हणतात. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांना खरे देव म्हणतात का कुदेव म्हणतात? खरे देव. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांना काय म्हणतात? खरे देव. खरे देव कोणाला म्हणतात? जे वितरागी सर्वज्ञ असतात त्यांना खरे देव. जी वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात व त्यांच्या सहित ज्यांचं नाव तीर्थंकर नावकर्माचा उदय असतो त्यांना तीर्थंकर असे आपण म्हणतो. बरोबर आहे. राम आणि श्याम त्यांनी एका देवाचे दर्शन केले, ज्यांच्या हाती अस्त्र होते शस्त्र होते त्यांनी बरोबर केले की नाही? व राम आणि श्याम हे जैन होते तर त्यामुळे त्यांनी बरोबर केले की नाही? नाही केले. नाही केले तर का नाही केले? कारण की ते कुदेव आहेत. कुदेव म्हणजे काय? कुदेव म्हणजे ज्यांच्या हातात शस्त्र अस्त्र आहेत त्यांना कुदेव म्हणतात. जे रागद्वेष सहित असतात त्यांच्या हातात अस्त्र शस्त्र असते त्यांना वितरागे म्हणतात. तुम्हाला कोणी म्हटले की तुम्ही या देवाची पूजा केल्याने तुमच्या घरात सुख शांती निर्माण होईल तर आपण ती केली पाहिजे की नाही? त्यांना आपल्या जीवनात काही उपयोग आहे नाही आहे? नाही. का नाही आहे? कारण ते कुदेव. बराबर आहे. तर आज आपण या पाठातून हे शिकलो की सब भगवान तीर्थंकर नाही होते पण सब तीर्थंकर भगवान होते. जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात त्यांनाच तीर्थंकर म्हणतात. आणि पुन्हा जे वितरागी सर्वज्ञ व हितोपदेशी असतात व सहित त्यांच्या तीर्थंकर नावकर्माचा उदय असतो ते तीर्थंकर असतात. जय जिनेंद्र. पुढे काय? पुढे काय झालं? ओके. नोट किए हैं आपने? किसने नोट किया गलती? हाँ बताइए. इन्होंने स्पष्टीकरण में जीवन उपयोगी प्रश्न नहीं पूछा था. स्पष्टीकरण में जीवन उपयोगी स्पष्टीकरण नहीं दिया था इन्होंने. और उससे पहले देखो, एक तो उद्देश्य कथन किया ही नहीं, दूसरा अनुकरण वाचन में क्या गलती की थी बता सकते हैं? हाँ बोलो, खड़े होके बताओ. नहीं
जिन्होंने मुख्य बिंदु ना लिखे हो वो मुख्य बिंदु निकाल ले। नहीं, अनुकरण वाचन में कोई गलती की थी क्या? अनुकरण वाचन में एक ये नहीं बोला था और वाचन एक मिनट बैठो, जब अनुकरण वाचन करवाते हैं तो दो संवाद शैली में दो पात्रों को खड़ा करते हैं, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ बताओ बताओ। दोनों पात्रों को पहले देखना चाहिए कौन कैसा है और कैसे, मतलब किस उससे हम किसको रोल दे रहे हैं, कौन पिता के लायक है कौन पुत्र के लायक है। हाँ, तो इनने ये गलती करी थी कि ये छोटे बच्चे थे उन्हीं को पिता का रोल दे देता। हाँ, ठीक है ठीक है ना, ये चीज नोट करनी चाहिए ना। आपका ध्यान किधर है भैया? आपकी गलतियां निकल रही है ना, ध्यान से सुनो। अच्छा, ये मूल्यांकन में भी तीसरा और चौथा स्टेप नहीं किया कि ये क्रमिक उनका क्रम क्यों है और आप उससे सहमत हैं क्या, वो नहीं पूछा। बोधगम्य में पहले जब बोधगम्य लिखाना शुरू किया तो पहले प्रश्न नहीं बोला, परिभाषा बोली, फिर बाद में दूसरे में प्रश्न बोला था, पर पहले में प्रश्न नहीं बोला, सीधी परिभाषा बोल दी। और वस्तुनिष्ठ में परिभाषा गलत परिभाषा बोली थी, मैं भूल गया कौन सी गलती क्या थी, मैंने लिखा रॉन्ग परिभाषा। जब परिभाषा बोलते हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करने से पहले जो परिभाषा पूछते हैं उसमें वो गलत परिभाषा बोली थी, तो इस तरह से। पर भावभाषण परक और जीर्णोपयोगी ख्याल इन्होंने अच्छी तरह रखा है, ठीक है। देखिए, अभी तक आपने दो पाठ योजनाएं बना ली है और मैं समझता हूँ आपको पाठ योजना बनाना आ गया होगा, तो आप परीक्षा में आसानी से बना सकेंगे। आज आपको पाठ योजना बनाने का आधार, ध्यान से सुनो, बातें मत करो। पाठ योजना बनाने का आधार अर्थात पाठ संकेत कहो या पाठ निर्देश कहो, जिसके आधार पर पाठ योजना बनाई जाती है उसके बारे में बताया गया, तो वो आपको पाठ निर्देश कैसे बनाना है। पहले इधर देख लो मेरी तरफ कि आपको ऐसे दो प्रश्न का एक प्रश्न, मतलब वो एक ही बोलते हैं तो एक ही प्रश्न, वैसे चार पेज हो गए, ऐसे दो पेज आपको लेना है। उसमें सबसे पहले ऊपर वाले पेज पे आपको अपना नाम, रोल नंबर, पिता का नाम, गांव का नाम, पता और पांच निर्देश, ये ऊपर ऊपर लिखना पड़ेगा पांच निर्देश। यहाँ पर इधर की तरफ तारीख, इधर की तरफ रोल नंबर, ऐसा आपको लिखना है। और इस पेज पे सिवाय अपने नाम पते के अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद पन्ना पर पेज पलटेंगे तो इस पेज पलटने पर आपको इधर क्या करना है कि आपको इधर वो पाठ में से उस पूरे पाठ को पढ़ना है। अब पूरे पाठ में से प्रारंभ में मुख्य मुख्य परिभाषाएँ, सिद्धांत वाक्य, तथ्यवाक्य या मुख्य बिंदु कौन कौन से आए हैं, तो उन सबको आपको समझाना है। अब उन मुख्य बिंदुओं को अथवा उन परिभाषाओं को आप किस उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, तो इसमें पूरा उदाहरण नहीं लिख करके, अभी तो आप पूरा उदाहरण भी लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन परीक्षा में वो पूरा उदाहरण नहीं लिख करके मात्र हम हाथी के उदाहरण से इस सिद्धांत को समझाएंगे अथवा फलाने उदाहरण से इस सिद्धांत को समझाएंगे। परीक्षा में ऐसा हिंट्स आप दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको उदाहरण पूरा लिखना है, जो उदाहरण सिद्धांत समझाना है आपको उस उदाहरण से वो सिद्धांत समझाना है, तो सारे ऐसे मुख्य मुख्य बिंदु जिससे आपका पूरा पाठ कवर हो जाता है, उसमें आदि, मध्य और अंत, कल भी मैंने कहा था उसमें प्रारंभ में कौन सी बात आई है और मध्य में क्या बात आई है, अंत में क्या बात आई है, जिससे आपका पूरा पाठ कवर हो जाता है, ऐसे पाठ निर्देश या पाठ संकेत आपको बनाना है। अभी पंडित जी ने आपको बताया था कि ये पाठ निर्देश संकेत बनाना यदि आपको आ जाएगा तो आपके जीवन में इससे बहुत सुविधा होगी। ये बड़े बड़े लोग जो भाषण देते हैं ना, नेता लोग, बड़े प्रोफेसर लोग, वो सब लोग यही करते हैं,
कि वो पाठ संकेत या पाठ निर्देश बनाते हैं, अर्थात उस पाठ के मुख्य मुख्य बिंदु लिख करके लाते हैं और उनके प्रवचन में, उनके भाषण में, उनके पढ़ाने में उन पाठों को वो एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको भी वो मुख्य मुख्य बिंदु, वो परिभाषाएँ, सिद्धांत वाक्य उसके अंदर लिखना है और उनको किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, किस प्रकार से बच्चों को आसानी से याद हो जाए, वो सारा उसमें आपको लिखना है। ये जिससे आपको पाठ योजना बनाने में और पढ़ाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। कब जमा करनी बता रहे हैं? ये पाठ योजना तो आपने अभी आज जमा कर दी होगी और अगर किसी ने नहीं जमा की तो पाठ योजना और पाठ निर्देश वैसे तो आज शाम को ही आपको जमा करना है, लेकिन कल सुबह तक आप अपने गुरुजनों को, जो अभ्यास कक्षा के गुरुजी हैं, उनको आप बना करके दे सकते हैं। कल सुबह तक भी वो आपकी ले लेंगे, लेकिन कल दोपहर बाद फिर आपकी नहीं लेंगे। और इससे आपका नुकसान क्या होगा कि फिर आप प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे और जब प्रायोगिक में नहीं बैठेंगे तो फिर सिद्धांत में लिखित में कैसे बैठेंगे। इसलिए जिनने नहीं दी हो वो भी दे दे, दोनों पाठ योजनाएँ अभी भी मौका है और पाठ संकेत, ये तीनों जिसके जमा हो जाएंगे वही प्रायोगिक परीक्षा में प्रैक्टिकल में बैठेगा। ये प्रैक्टिकल परीक्षा आपको बता दिया कि परसों 2 बजे से 1:30 बजे से आपके अध्यापक जी के ऊपर निर्भर है, वो आपको बता देंगे। वैसे तो हमने 2 बजे का कहा है, लेकिन किसी को अगर जल्दी ये ज़्यादा है किसी के लड़के तो वे 1:30 बजे से भी आपकी प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। सारे लड़के एक साथ वहाँ नहीं जाएंगे, आपके कक्षा अध्यापक जी वहाँ रहेंगे, वो 2 क्लासों में से 5-5 लड़के करके परीक्षा के लिए बुलाएंगे और उनसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाएंगे। अभ्यास जो आपने पढ़ने का दोपहर की कक्षा में अभ्यास किया है वो आपसे पढ़वाएंगे, प्रश्नोत्तर भी आपसे पूछ सकते हैं वो कि उद्देश्य कथन में क्या अंतर है, पाठ योजना किसे कहते हैं, प्रकरण किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा पढ़ाएंगे आपसे और पढ़ाने के तो आपके इस प्रकार से 50 नंबर का आपका बना हुआ है चार्ट, तो ये 50 नंबर के आधार पे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो आपको इसमें जो चार्ट में ये क्रम है वो भी ध्यान में रखना है कि हमको सबसे पहले बोर्ड कार्य करना है, उसके बाद पूर्व पाठ मूल्यांकन करना है, उसके बाद क्या नाम से जो है उद्देश्य कथन करना है, फिर उसके बाद आदर्श वाचन करना है, अनुकरण वाचन करना है, व्याख्या करना है और व्याख्या में फिर अपने को मूल्यांकन 1, 2, 3, 4 वो सारे बिंदु आपके ध्यान में होना चाहिए। मूल्यांकन करने के बाद फिर संवाद के बाद ही आपके जो है पारिभाषिक प्रश्न, भावभाषण परक प्रश्न, जीवनोपयोगी प्रश्न, इस प्रकार से आपकी पूरी व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको बोधगम्य प्रश्न उत्तर बच्चों को नोट कराना है और उसके बाद फिर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो कक्षा में याद कराने के लिए किए जाते हैं वो कराना है। उसके बाद जो आपने अभी तक पढ़ाया अथवा बोधगम्य में जो प्रश्नोत्तर लिखा है उनके उत्तर की परिभाषाओं को दोहराना है, वो उसका नाम है सारांश कथन। सारांश कथन में उस अनुवृत्ति में जो मुख्य मुख्य आपने पढ़ा बताया उसको दोहराना है कि आज हमने ये पढ़ा। उसके बाद यदि आपकी वो अंतिम अनुवृत्ति है उस दिन की तो आप उसमें समापन मूल्यांकन भी कर सकते हैं जो वस्तुनिष्ठ पद्धति के 3rd सोपान से होते हैं और उसके बाद आप गृह कार्य होमवर्क देंगे। गृह कार्य में बच्चे के ऊपर कम से कम वजन पड़े और जो उसने कक्षा में याद किया है उसी को पुनः याद करके ला अथवा लिख करके ला अथवा कोई चार्ट मॉडल या कोई ऐसा बना के लाए जो उसको रुचिपूर्वक वो बना सके और उसको उस पाठ करने में मदद मिल सके। इस प्रकार से आपको पूरा पाठ तैयार हो जाएगा और वो पाठ आपको पढ़ाना है। इसमें आपके ये आपके नंबर आपके हाथ में है, लिखित में तो फिर भी आप जैसा लिखेंगे वैसे ही नंबर मिलेंगे, क्या गलत लिखेंगे तो गलत नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो आप यदि सही ढंग से पढ़ा देंगे देखा देखी भी तो आपको ये 50 नंबर गृह कार्य के और 50 नंबर प्रैक्टिकल के, ये 100 नंबर आपको आपकी थोड़ी सी सावधानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गया? आप पहली पाठ योजना आपकी 18 नंबर की थी, दूसरी पाठ योजना आपकी 12 नंबर की है, ये पाठ निर्देश आपका 6 नंबर का है, तो कितने हो गए? 18 और 12 30 और क्या नाम है 6 नंबर का पाठ संकेत 36 और 14 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन है
अब जैसे बहुत से लड़के अभी परीक्षा नहीं आए ना, तो उनकी एब्सेंट लग रही है। आपके कक्षा अध्यापक जो दोपहर में पढ़ाते हैं, उनको तो ख्याल में है कि उनकी क्लास में कौन कौन लड़के हैं, वो आपकी एब्सेंट लगा रहे हैं। अब वो आपको 14 नंबर में से कम नंबर हो जाएंगे आपके अपने आप ही, जबकि खाली यहाँ बैठने के आपको 4 नंबर मिलते हैं उपस्थिति के, तो वो भी आपके हाथ में है। अनुशासन में रहना, पढ़ाना सही ढंग से पढ़ाना, कक्षा में सबसे अच्छा छात्र होना, ये सब आपके अनुशासन विनय सबके आपके नंबर है जो 14 नंबर हैं। इस प्रकार से 50 नंबर का तो आपका होमवर्क हो गया जो आपके हाथ में है, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रायोगिक परीक्षा जो आपको पढ़ाया है, वो आपके एग्जामिनर आपको पढ़ाने का अभ्यास किस प्रकार का, कितना हुआ, कैसा हुआ, उसका मूल्यांकन होगा 50 नंबर का। अब आपके दो पेपर लिखित पेपर होंगे, एक पेपर सिद्धांत का होगा जिसमें बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 उसके सब पाठों को आपको जो है क्या नाम से याद करना है, उनकी परिभाषाएं, उनके उत्तर जो भी उसमें है वो सारे पाठों के आपको याद करना है। उसकी परीक्षा लिखित परीक्षा होगी 1 घंटे की, 40 नंबर का वो आपका लिखित का पेपर होगा। उसके बाद आधा घंटे का गैप होकर के ये आपकी 10 तारीख को होगी परीक्षा, और फिर आधा घंटे का गैप होकर के 2 घंटे का, 2.5 घंटे का आपका पाठ योजना बनाने का शिक्षण पद्धति का पेपर होगा, जिसमें एक पाठ योजना आएगी, एक पाठ संकेत आएगा, कुछ अंतर पूछे जाएंगे, कुछ की परिभाषा पूछी जाएगी, इस प्रकार से वो आपका 60 नंबर का पेपर होगा। ये ध्यान रख लेना आप कि पाठ योजना और ये जो आप बना के देते हैं इसमें आपके सारे के सारे नंबर मिलकर के 200 नंबर का आपका ये परीक्षा हो जाएगी, और उसके आधार पर फिर आपको उसका परिणाम घोषित होगा और उसके आधार पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यदि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, किसी बात की कोई प्रश्न हो, शंका हो, परीक्षा संबंधी, पाठ योजना संबंधी, निर्देश संबंधी, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हमारा अगर कल प्रैक्टिकल होगा, जैसे हमें आज कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करना है, फिर पाठ निर्देश भी बनाना है, फिर कल कंपटीशन में भी करना है। कल नहीं होगा प्रैक्टिकल आपका, कल नहीं होगा, परसों होगा 9 तारीख को। कल ये क्लास होगी अपनी, अंतिम क्लास होगी, परसों प्रैक्टिकल होगा, उसके नेक्स्ट डे रिटन एग्जाम होगा, और उसके नेक्स्ट डे दीक्षांत समारोह होगा। तो कल अपनी लास्ट क्लास होगी, सभी को बता दीजिएगा कल आना है सभी को। अच्छा, अब थोड़ा सा, कल तो आपका क्यों जो है ना उस पर क्या है वो प्रतियोगिता, अब इसके बाद 10 तारीख को आपकी सवेरे 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक परीक्षा हो जाएगी लिखित। उस समय आपको बता दिया जाएगा, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के द्वारा एक प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन भी होगा, मतलब आप ही लोगों के द्वारा आयोजित होगा, आप ही लोग उसका संचालन करेंगे, और उसमें आप लोगों के यहाँ पर 18 दिन तक जो शिविर में रहे, गर्मी में रहे, भोजन की सुविधा असुविधा, आवाज़ की सुविधा असुविधा, पानी की सुविधा असुविधा, या पढ़ाई में आपको कैसा लगा, आपने क्या खोया क्या पाया, ये सारे आपके खट्टे मीठे अनुभव आपके द्वारा उसमें बताए जाएंगे। तो वो प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन आप ही लोगों का होगा, आप ही संचालन करेंगे, आप ही उसमें बोलेंगे, आपके गुरुजन तो रहेंगे पर वो तो बैठे रहेंगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा एकाध गुरुजन कभी मौका मिला तो वो आपको प्रेरणा के लिए कुछ भी दो शब्द आपके लिए आशीर्वचन बोल सकते हैं, अन्यथा तो सारा काम वो आप ही का है जो 10 तारीख को रात को होगा परीक्षा के बाद, क्योंकि आप परीक्षा देने के बाद बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आपको अपने उसकी तैयारी प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन की करना है। इस प्रकार से आपका सारा कोर्स मैंने आपको बता दिया, अब आपको कोई शंका हो तो अभी 1-2 मिनट में पूछ सकते। चलिए, कोई को समस्या है क्या? सब समझ में आ गया? जिनका नाम आया है, 2-2 विद्यार्थियों का, कक्षा अध्यापकों ने नाम दिया है प्रतियोगिता के लिए, वो सब लोग 7:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ प्रवेश का कि जहाँ कक्षा लगती है, ठीक है? कमरा नंबर यहीं सामने, बिल्कुल यहाँ से जाएंगे ना, कमरा नंबर या 5 नंबर, कमरा नंबर 5 में वहाँ अपन पहुँचेंगे, ठीक है? चलिए, बोलो महावीर भगवान की जय।